नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारी वीडियोस भी देख रहे होंगे, हमें दुआ में भी याद रख रहे होंगे। जैसे आप सबको पता है कि कभी बॉम्बे के ब्लॉग्स आते हैं, कभी जोधपुर के आते हैं, ये सब आपकी लोगों की मोहब्बत है कि हम लोग जगह जगह जाते हैं सिर्फ आपके लिए। आज हम लोग जाएंगे, आज हम लोग वो शॉप पर जाएंगे जो कि जोधपुर की सबसे पुरानी पाव भाजी शॉप, मतलब वो शॉप जो पाव भाजी बनाते हैं, सबसे पुरानी शॉप है विजय पाव भाजी। सबसे ओल्डेस्ट शॉप अगर पाव भाजी की बात करेंगे तो वो है जोधपुर में। चले सीधा वहाँ चलते हैं। इनकी लोकेशन, ये सी रोड पे लोकेटेड है, इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में बाहर भी देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सके। चले सीधा वहाँ चलते हैं और पाव भाजी। यहाँ सी रोड पे आ चुके हैं और ये हमारी फेवरेट रोड भी है, सब जगह ही जाना पड़ता है। जोधपुर है कितना, यहाँ छोटा सा तो है जोधपुर नहीं। चलिए आपको आज विजय पाव भाजी के शॉप पे लेके चलते हैं जो कि जोधपुर की सबसे पुरानी शॉप है। काफी जबरदस्त उनकी क्वालिटी है और वाकई में मतलब उन काम बात सब क्वालिटी की होती है ना। मतलब अगर क्वालिटी आदमी देता है तो इतने साल से आदमी आराम से सर्वाइव कर सकता है। चलिए सीधा चलते हैं वहाँ और वहाँ चल के पाव भाजी ट्राई करते हैं। ये देखिए विजय पाव भाजी, हम लोग ये ट्राई करेंगे, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करेंगे और यहाँ चल के वीडियो बनाएंगे और आप भी यहाँ पे जरूर है, मैं पहले भी खा चुका हूँ। बस देखिए हम लोग यहाँ गए विजय पाव भाजी के यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग जाके वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, उनका पाव भाजी भी ट्राई करेंगे और वीडियो बनाएंगे, चल के इनका वीडियो बनाएंगे, देखते कैसे बनाते हैं ये पाव भाजी। हमने आपको बताया था कि आज हम लोग पाव भाजी खाएंगे। ये सबसे पुरानी शॉप है, अगर जोधपुर के अंदर पाव भाजी की बात करेंगे तो काफी पुरानी शॉप विजय पाव भाजी वाले है। इनकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से नेविगेट कर सके। इनके पाव भाजी की प्लेट देखिए आप, तो हम लोग पहले एक प्लेट खाएंगे, उसके बाद हम लोग एक प्लेट और खाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे पाव भाजी बनाते हैं, अंदर से जाके देखेंगे और आपको पूरा बनाएंगे, उसके फिर हम लोग बाद में खाना खाएंगे। और आप यकीन माने सबसे पुरानी शॉप है ये पूरे जोधपुर में। तो अब ये भाई साहब जो है वो हमारा पाव भाजी की जो प्लेट है वो लगा रहे हैं। देखिए आप, क्या नाम है भाई साहब का? कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? साल भर हो गया। और आपकी शॉप को? 27 साल पहले इसका ब्रदर था। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है, 27 साल से शॉप है। हाँ अच्छा, ये आए हैं। चलिए मक्खन देखिए, कौन सा मक्खन है, अमूल मक्खन है? अमूल बटर, क्या बात है, दोनों चल रहा है। चटनी भी इनकी देखिए पूरा एकदम इन्होंने नीट एंड क्लीन काम किया हुआ है। देखिए प्लेट्स और सब कुछ एकदम साफ सुथरी है, उससे क्या है कि हाइजीन का भी अपने पूरा ध्यान रखना पड़ता है और यहाँ पे इन्होंने पूरा ध्यान रखा हुआ है। सब सब्जियों से बनके ये पाव भाजी बनाते हैं ये, और काफी सालों से ये पाव भाजी बना रहे हैं। इनकी लोकेशन हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सके। वैसे सी रोड पे इनकी लोकेशन है। हमारी एक प्लेट तैयार हो चुकी है, पहले हम लोग एक प्लेट ट्राई करेंगे, उसके बाद एक प्लेट और ट्राई करेंगे। और ये हमारी प्लेट तैयार है, ऊपर से इन्होंने मक्खन डाल दिया और साथ में चटनी किसकी, हरी चटनी ना, धनिया की चटनी है। और ये हमारे जो बन है वो आने वाले, जो पाव है वो आने वाले। चलो हम लोग ट्राई करते हैं इसको और ऊपर से और बटन लगाएंगे भाई साहब। चलो चलिए, हमारी टेबल भी खाली हो गई, अब आप सामने देखिए इन्होंने पूरा बटर दिया हुआ है, इसमें हम लोग थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं, साथ में हम लोग थोड़ा बहुत इसके अंदर नींबू भी डाल लेते हैं, नींबू से क्या मज़ा आता खाने का। और उसके बाद हम लोग ये जो पाव है वो ट्राई करेंगे। देखिए हमारे जोधपुर में लंबे पाव मिलते हैं, बॉम्बे में हम लोगों ने जब पाव भाजी का वीडियो बनाया था वहाँ पर गोल पाव थे, यहाँ पर जोधपुर में आपको लंबे पाव मिलेंगे, तो ये फ़र्क मैंने आपको वहाँ भी बताया था। और चलिए इसको ट्राई करते हैं, वाकई में मज़ा आ गया माशाल्लाह। ना ज़्यादा स्पाइसी है ना ज़्यादा
तो ये एकदम परफेक्ट है, आप आराम से यहाँ पे खा सकते हैं और एकदम बाहर मतलब कुछ आपको वो एम्बियंस की बात नहीं, सब खाने की बात है, आराम से यहाँ बाहर बैठ के आप खाना खा सकते हैं। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे चल के बात करते हैं। काफ़ी ज़बरदस्त है, इनकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और यकीन माने सबसे पुरानी शॉप पाव भाजी की विजय पाव भाजी वाले। चलिए पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद। तो बस हम लोगों ने हमारी पाव भाजी फिनिश कर ली माशाल्लाह, 60 रुपये की प्लेट है और काफ़ी ज़बरदस्त मज़ा आया माशाल्लाह। सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो इंग्रीडियंट्स यूज़ किए वो सुपीरियर क्वालिटी के थे, तो जब अपन इंग्रीडियंट्स अच्छे क्वालिटी के यूज़ करते हैं तो खाने का जायका और ज़्यादा बढ़ जाता है। इनकी लोकेशन हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप आराम से इनको नेविगेट कर सकें। चलिए यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जल्दी तो फिर मुलाकात होगी। शादाब टॉक्स को देखते रहे और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें, बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।